चंदा तिलक लगाए रूप चतुर भुज धारी प्रभु जी, कर में परसा रहे दिखा दूजे कर में पास लिए हैं, असुरों को जो बांध के लाए तीजे कर में लड्डू लिए हैं, जो इनका प्रिय भोग कहा चौथा कर पर मुद्रा धारी, आशीष भक्तों पे बरसाए स्वर्ण सिंहासन रिद्धि सिद्धि चौर डला एक दंत शशि भाल गजानन, जिनको जग पूज सिर नवाए जया भिजिया दो सखियों संग। जया बोली हर साय कोई पहरादार नहीं है, बोलो तीनों कैसे नहाए शिव का गण जो पहरा देगा, वो शिव जी को रोक न पाए लाज के मारे सिर झुक जाए, इस वक्त कोई पुरुष जो आ जाया और विजया बोली है, पार्वती सुनो ध्यान लगाए तुम कोई अपना गण रखो, हम सब की कर पाए जया विजया की बातें सुन के, पार्वती को याद है एक समय स्नानागार में। पार्वती गई लजाए सारी घटना याद आ गई, शंभु तनिक नहीं शर्मा जया विजया की सच्ची बातें, पार्वती के मन को भाए पहरेदार जरूरी है दर पे, नहीं तो कोई भी आ जाए जल किरणों में भंग पड़ेगा, देती हूँ पहरेदार लगाए ऐसा सोच के पार्वती ने बनाए। उसी महल से पुतला बनाए सुंदर पुतला रहा दिखाए, उस पुतले में प्राण डाल दी गणपति जी रहे मुस्काए, पार्वती से बोले माता किस कारण तू मुझे बना मुझे आदेश दीजिए, शीघ्र कार्य कर जाऊंगा श्री गणेश से गौरा बोली, बात को सुन लो ध्यान लगाए हम तीनों स्नान करेंगे, अब तुम दरवाजे पे जाए दरवाजे पे पहरा देना, देखना कोई अंदर ना विजया सखियों से जा, तीनों सहेलियां खुश हो गई। तीनों सहेलियां खुश हो गई कर स्नान रही मुस्काए, शिव जी गणों के संग चले हैं, मन ही मन में रहे हर सा शंभू देखे गणेश को, गणों को रहे आदेश सुना इस बालक को शीघ्र हटाओ, गण गणेश के पास में आए नंदी बोले श्री गणेश से, कौन हो बालक कहां से आए।
प्रणाम गणेश कहा मेरे रहते दरवाजे के अंदर कोई जान न पाए श्री गणेश की बातें सुन के। शंभू को दिए बता शिव शंभू हुए गणों पे क्रोधित बोले दो बालक को हटाए जाऊंगा मिलने पार्वती से। बात को सुन लो ध्यान लगा शिव शंभू की बात को सुन के गण गणेश के पास में आए हट जाओ दरवाजे से तुम। गण बोले हैं गणेश से जाए श्री गणेश गणों से बोले बात को सुन लो ध्यान लगा दरवाजे से मैं न हटूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। शिव के गण तब क्रोध में आ गए श्री गणेश तू बच ना पाए हम लोगों से गर उलझा तो। गणेश गुस्से में आए बोले सावधान हो जाओ धमकी से हम डर नहीं पाए तुम जैसे तुच्छ गणों को। पल में दूंगा धूल चटा श्री गणेश की बातें सुन के। शिव के गण क्रोधित हो आए लगे प्रहार क्रोध में करने पर गणेश से पार न पाए शंभुनाथ के सभी गणों को दिए गणेश जी मार गिराए। शिव के गण सभी मूर्छित हो गए रण में गए देवता इंद्र के सारे सैनिक हारे दिए गणेश जी धूल चटाए मूर्छित हो गए सारे देवता। जी लिए त्रिशूल उठाए श्री गणेश व्यवहार किए हैं गर्दन धड़ से दिए उड़ाए पार्वती जी बात सुनी है। गया बदन में गुस्सा छाए प्रकट हो गई सभी देवियां पार्वती के पक्ष से आए पार्वती बन गई महाकाली लिया भयानक रूप बनाए हाहाकार तीनों लोक में लगे महाप्रलय आ जाए कैसे रोके इन शक्तियों को। किसी को कुछ भी समझ ना आए अंत में नारद जी आए हैं देवताओं को उपाय बताए देवी की स्तुति कीजिए। को रहे मना क्रोध शांत हुआ माता जी का देवताओं को रही बताए मेरे पुत्र को जीवित कीजिए नहीं तो कोई बच नहीं पाए पार्वती माता की बातें। देवता शंकर जी को बताए शिव जी देवताओं से बोले उत्तर दिशा की ओर में जाए वहां पे जो भी प्राणी मिलेगा उसके सर को काट के लाए एक दांत का हाथी वाला। देवता सिर को लेकर आए शिव शंकर जी शीश को लेके दिए गणेश के धर से लगा जीवित किए हैं श्री गणेश को।
अपने गोद में लिया उठा, देवता आशीर्वाद दिए हैं। श्री गणेश को पास में आए, पहले पूजा होगी तेरी, बाद में सारे पूजे जाए, जो भी पहले तुमको पूजे उसकी कामना पूर्ण हो जाए। शिव जी गणेश के पास में आए, गणाध्यक्ष उन्हें दिए बनाए, गणेश चतुर्थी को जन्म लिए हैं, तिथि चतुर्थी को पूजे जाए, गणेश जन्म की दूसरी कथा को आप सभी को रही सुना। शिव पार्वती की हो गई शादी, कुछ दिन जब बीतने को आए, पार्वती शिव जी से बोली, चाहिए दिल की बात रही बतलाए, पार्वती की सुनकर बातें, शिव जी मन ही मन मुस्काए, बोले पुण्य व्रत करो तुम, श्रेष्ठ पुत्र तुम्हें प्राप्त हो जाए। पुण्य व्रत किया पार्वती ने, बन के पुत्र गणेश जी आए, उस समना कैलाश पे भारी, देवी संग देवता भी आए, सब का शिव जी उत्सव रहे मनाए, सभी ग्रहों के साथ शनि भी भाग लेने उत्सव में आए, लक्ष्मी शारद भी आई हैं, देख के पार्वती हर साल सभी मुंह बालक का देखे। चिंता रही सताए, पार्वती की सुन के बातें, शनि देव रहे बात बताए, मेरी पत्नी ने श्राप दिया है, उसका श्राप विफल ना जाए, जिस पे भी तेरी नजर पड़ेगी। सखी मुस्काए, पार्वती शनि देव से बोली, सुनो शनि तुम ध्यान लगा, मैंने माना श्रापित हो तुम, पत्नी का श्राप विफल ना जाए, लेकिन मेरा विचार भी सुन लो, मुझको कुछ होने ना पाए, वक्र दृष्टि नहीं काम करेगी। शनि को पार्वती समझा, जिद करने पे पार्वती के देव गए सामने आए, जैसे ही वो गणेश को देखे, कट के शीश धरा पे आए, व्याकुल हो गई पार्वती माँ, शनि लज्जा से शीश झुकाए, पार्वती माँ जिद पे अपनी। विष्णु बैठ गरुड़ पे जाए, वायु वेग से गरुड़ चले हैं, पुष्प भद्रा नदी पे आए, वहीं पे एक हथनी को देखे, चक्र सुदर्शन दिए चलाए, शीश काट दिए हथनी का, विष्णु मस्तक
लेकर आया हथनी का मस्तक विष्णु ने, दिया गणेश के धड़ से लगाए बाल गणेश जीवित हो गए। पार्वती सीने से लगाए मेरा पुत्र कुरूप हो गया, कह के पार्वती पछताए देख बेचैनी पार्वती की। सिर हरे उनके सामने आए दिया आशीष है गणपति जी को। सभी को रही सुना त्रेता युग में जन्म लिए तो, मयूरेश्वर गणेश कहलाते त्रेता युग में कैसे जन्म लिए। रही आपको कथा सुना त्रेता युग में एक राक्षस था, उग्रेक्षण है नाम कहा, राक्षस बहुत ही बलशाली था। दिया भारी उत्पात मचा देवलोक में मची तबाही। शंकर जी भी गए घबरा, शंकर जी देवताओं से बोले, बात को सुनिए ध्यान लगा श्री गणेश जी इस राक्षस से, आप सभी को देंगे बचाए विघ्न विनायक वो कहलाते। कष्ट दुख जिन देख पराए श्री गणेश का सुमरण करते। सभी मनाए फिर भी श्री गणेश न माने, सभी हारे स्तुति सुनाए श्री गणेश जी एक न सुनते। सारे देवता गए घबरा, उगड़े छन अपने साम्राज्य को, दिन पर दिन राहा फैला तीनों लोक का बना है मालिक। भारी रहा आतंक मचा देवताओं को शंभू देख के, हाहाकार मचाए पार्वती संग कैलाश छोड़ के। शिव त्रि संध्या क्षेत्र में आए पार्वती कर रही तपस्या। समाधि लगाए गर्मी में अग्नि बिच रहती, जाड़े में बर्फ पे आसन लाए, खुले में रहती खुले में सोती। बारिश से तन भीगा जाए देख तपस्या पार्वती की। श्री गणेश जी सन्मुख आए प्रकट हुए हैं श्री गणेश जी, बोले पार्वती से जा भद्र महीना शुक्ल चतुर्थी को, मेरा अवतरण हो जाए आपका पुत्र बनूंगा माता, इसमें कोई शंका ना मनो।
खुद का रूप बना, झपट पड़ा गणेश के ऊपर। श्री गणेश रहे मुस्कान, गृद्धासुर को पकड़ लिए हैं, पकड़ के गर्दन रहे दबा, गृद्धासुर भी पकड़ा गणेश को। श्री गणेश पे चोंच चला, श्री गणेश जी उसके बारिश से। अपना दूध रही वो पिला, सत्य महिषा की दूध को पीकर। श्री गणेश जी रहे मुस्कान, राक्षसी देख रही गणेश को। मन ही मन वो सोचत जा, विष असर नहीं करता इस पे। पी के दूध रहा मुस्कान, दूध के साथ खून लग पीने। दर्द से राक्षसी रही चिल्ला, विनाशक रूप बना। उग्र क्षण तब सामने आया, रहा बाण पे बाण चला, उग्र क्षण के सभी बाणों को श्री गणेश जी काट गिरा। क्रोध में श्री गणेश जी आके अपना फरसा लिए उठा, काट डाले हैं उग्र क्षण को। रण में असुर को मार गिरा, उग्र क्षण जैसे ही मरा है। इसमें